महाराज उसी समय प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बार बार समझाया लेकिन नहीं माना। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कलाई पकड़ी और घसीटते हुए जब ले जा रहे थे मारने के लिए, बीच में हिरण्यकश्यप की बहन सिंहका मिल गई। सिंहका कहने लगी, भैया जी बताओ इतने प्यारे हमारे भतीजों को तुम कहाँ ले जा रहे हो और इस तरह से क्यों पकड़े हो? जवाब दिया है, इसने हमारे बैरी का नाम लेना प्रारंभ किया है, इसलिए हम इसे मार देना चाहते हैं। सिंह का कहने लगी, भैया अभी छोटा है, नादान है, लाओ मुझे दे दो, मैं समझा दूंगी, समझ जाएगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, ठीक है, अगर समझ जाए तो समझा देना, अगर नहीं समझे तो तुम्हें माँ का दिया हुआ वरदान में जो माता ने शीतला चीर दिया है उसे ओढ़ करके तुम बैठ जाना और गोद में प्रहलाद को ले लेना। अग्नि जलाकर, अग्नि प्रज्वलित करके इस प्रहलाद को खत्म कर देना, अगर ये बात ना माने तो। बोले ठीक है। आज सिंह का प्रहलाद को गोद में उठा लेती और जवाब दिया, बेटा प्रहलाद तुम जिसका नाम ले रहे हो ना उसने तुम्हारे चाचा को मार दिया, वो हमारा दुश्मन है, इसलिए उसका नाम मत लो। प्रहलाद कहने लगे, अच्छा बुआ हमें एक बात बताओ। बोले क्या? ये बताओ, चलो नारायण भगवान ने चाचा को मार दिया, वो दुश्मन हो गए, और तुम्हारे पति को तो तुम्हारे भैया ने यानी हमारे पिता हिरण्यकश्यप ने मार दिया, वो क्या तुम्हारे दुश्मन नहीं हुए? जवाब दिया है, जाने चाचा को मारो है वो तो बबुला खास हमारो है, और जाने मार दिया, और भगवान तो वैसे किसी को मारते नहीं है, अपने कर्मों के अनुसार इंसान मर जाता है, लेकिन आपके कहने से अगर चाचा को भगवान ने मार दिया वो दुश्मन हो गए, तो तुम्हारे पति को तो तुम्हारे भैया ने मार दिया वो तुम्हारे दुश्मन नहीं हुए क्या? ऋषि नारद मिल गए। देव ऋषि नारद कहने लगे, ए बेटा जाने भूखा को मारो है वो तो भैया खास तुम्हारो है, कहने लगी वास्तविक में तू समझेगा नहीं, तू मरने के ही लायक है। सिंह का ने एक चिता बनाई, लकड़ी की चिता तैयार की और स्वयं शीतला चीर ओढ़ करके प्रहलाद को गोद में बिठा लिया और स्वयं शीतला चीर ओढ़ लिया, अग्नि प्रज्वलित की है, और भक्तों जब अग्नि जलने लगी भगवान की माया से जोर से आधी तूफान आए, सो शीतला चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिर गया और सिंह का उसी आग में जल करके राख हो गई, प्रहलाद बच गए। और उसी दिन से ये सिंह का जो है होलिका के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ये बात देवताओं को बहुत अच्छी लगी, एक राक्षसी का वध हो गया, देवताओं को अच्छी लगी तो उन्होंने रंग पुष्प की वर्षा की, राक्षसों को बहुत बुरी लगी तो उन्होंने उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया तो कीचड़ जो होता है ना उसकी वर्षा की। तो जिसका प्रतीक आज भी है, जब होली का टाइम आता है ना आपके यहाँ मनाई जाती है, खूब मनाई जाती है हर जगह, जब होली का टाइम आता है जो देवताओं के वर्ग के होते हैं ना वो केवल तिलक करते हैं गुलाल से और होली मना लेते हैं।
और जो राक्षस वर्ग के होते हैं ना वो गांव की पूरी नारियां ही साफ कर जाते हैं। होली के टाइम भंगी को बुलाने की जरूरत ही ना है, आराम से। हाँ महाराज जी खेलती आपके यहाँ, आपके यहाँ कोई राक्षस है ही नहीं, सभी देवता ही देवता है। बोलिए गोविंद भगवान की। वैसे कहीं कहीं ऐसा नियम है कि गांव की नालियां साफ करने का, यहाँ पे नहीं है, हर के क्षेत्र में है ही ना, हाँ कहीं बाहर है। बोलिए नारायण भगवान की। तो भक्तों उसी दिन से ये होलिका सिंह का ज्योति होलिका के नाम से विख्यात हुई। प्रहलाद बच गए और अपने पिता के दरबार में पहुंचे, जवाब दिया पिताजी राम राम, और ये शब्द उसे बहुत बुरा लगता था। जवाब दिया राम राम तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और जवाब दिया ये मूर्ख बालक अभी तक मरा नहीं, सिपाहियों से कहा जाओ इसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे डलवा दो। सिपाहियों ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जब नीचे डलवाया तो भगवान ने पलने का रूप बनाया, समुद्र में डलवाया तो भगवान ने नविका का रूप बनाया, काल कोठरी में बंद कराया जहाँ पे काले काले नाग हैं, जहरीले नाग हैं। सिपाहियों से कहा प्रहलाद को उस काल कोठरी में बंद कर दो, सुबह तक मर जाएगा। काल कोठरी में बंद किया, सुबह हुई तो जवाब दिया अब जाओ देखो जाकर के वहां पर प्रहलाद मर गया कि नहीं। तो सिपाहियों ने जब झांक करके देखा है तो उसमें देखा कि प्रहलाद राम नाम का नाम ले रहा है। उसी समय बताया जाकर के कि नागों ने प्रहलाद का कुछ नहीं किया, चुपचाप नीचे मुड़ किए हुए बैठे हैं, प्रहलाद राम नाम कह रहा है। जैसे ही कहा तो महाराज प्रहलाद वहाँ से भी निकल आए, बच गए, अपने पिता के पास पहुँचे, जवाब दिया है पिताजी